प्रश्नावली 2A, ये जो है बहुपद चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको हम बनाएंगे। इसका जो कंसेप्ट है वो हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पहले कंसेप्ट को जाकर देखिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप बनाइए, ठीक है। तो हम फर्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं चेक करके। देखिए यहाँ पे हम सवाल को लिख लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये बहुपद है कि नहीं से देखिए। देखिए बहुपद क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं कंसेप्ट में, अगर कंसेप्ट नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको बनाइए। यहाँ देखिए a1 a2 a3, यहाँ पे a1 होता है, ये a2 है, ये a3 है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और x का पावर n यहाँ देखिए क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 1 है। तो हम देख रहे हैं कि r ऋणात्मक पूर्णांक है और a1 a2 a3 जो है वास्तविक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है बहुपद है, ठीक है। चलिए दो नंबर सवाल देखिए, एक्स प्लस 2/x, ये बहुपद है कि नहीं से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 है, एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -1 हो जाएगा, इसका पावर 1 है और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 a2 ये वास्तविक संख्या है, लेकिन x का पावर n जो होता है ये यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, -1 है, ये अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक अगर रहता है तो ये बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक है। तो एक नंबर बहुपद है, दूसरा बहुपद नहीं है। अब तीन नंबर सवाल को देखिए, सवाल नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 3√x प्लस 2x माइनस 7। इसमें देखिए a1 a2 a3 ये क्या है, वास्तविक संख्या है, और x का पावर n देखिए इसमें 1 है, और इसको देखिए हम लिख सकते हैं 3x का पावर 1/2। जब रूट को हटाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, एक चीज़ है प्लस 2x माइनस 7। तो देखिए इसका पावर क्या है, पूर्णांक नहीं है, 1/2 क्या है, एक भिन्न है, ठीक है। लेकिन हम आपको कंसेप्ट में बताए थे कि बहुपद का जो पावर होता है यानी n का जो मान होता है एक अऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये तो पूर्णांक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं चार नंबर सवाल को, इसमें दिया हुआ है 3x का पावर -2 प्लस 4x प्लस 3। देखिए इसमें a1 a2 a3 ये क्या है, वास्तविक संख्या है, 3 4 3 क्या है, वास्तविक संख्या है, और x का पावर n देखिए तो n हम देख रहे हैं कितना है, -2 है, -2 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तब जब किसी बीजीय व्यंजक का पूर्णांक यानी n का मान ऋणात्मक पूर्णांक होता है तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक है। तो ये बीजीय व्यंजक जो है ये बहुपद नहीं है। देखिए सवाल नंबर 4, ये बहुपद नहीं है। पाँच नंबर सवाल को आप सॉल्व करते हैं, इसमें दिया हुआ है √u -3u प्लस 2, क्या ये बहुपद है। तो इसको देखिए सरल करते हैं, पहले u का रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं u का पावर 1/2 -3u प्लस 2, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि n का जो मान है 1/2 है, देखिए 1/2 है, और 1/2 क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो सवाल नंबर 5 को हम चेक किए तो पता चला कि बहुपद नहीं है। अब छठा सवाल देखिए, इसमें बीजीय व्यंजक आपको दिया हुआ है √2yq -√3y। बीजीय व्यंजक को चेक करके बताइए कि बहुपद है कि नहीं है। देखिए इसको चेक करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि a1 a2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, यानी वास्तविक संख्या दिया हुआ है, और y का पावर 3 है और इसमें y का पावर 1 है, यानी n का मान जो है 3 है और 1 है, ये क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, ये बहुपद है।
अब सात नंबर सवाल देखिए, रूट थ्री टी प्लस रूट टू रूट टी। देखिए ये वास्तविक संख्या है, ये तो ठीक है, लेकिन अब हम पावर को देखते हैं, चार इसमें क्या है, टी है। देखिए यहाँ पे टी का रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी का पावर एक बटा दो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एन का जो मान है कितना आया है, एक बटा दो आया है। ये अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बहुपद नहीं है। अब सात नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है, यहाँ देखिए माइनस सात, बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ये बहुपद है कि नहीं से चेक करना है। देखिए माइनस सात को हम लिख सकते हैं माइनस सात एक्स का पावर जीरो, ठीक है। ई लिखिए चाहे ई लिखिए दोनों बराबर है। देखिए माइनस सात गुना एक्स का पावर जीरो है, यानी इसका मान एक होता है, तो माइनस सात में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सात। ई लिखिए या ई लिखिए दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए ये बहुपद है कि नहीं से देखिए, माइनस सात ये क्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिए एक्स का पावर जीरो है, यानी एन का मान क्या है, जीरो है। ये क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ देखिए जीरो है, इसका मतलब है कि माइनस सात जो है एक बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, बहुपद है। अब सवाल नंबर नौ देखिए, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू है। नौ नंबर सवाल, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ये बहुपद है कि नहीं चेक करना है। देखिए इसके आगे एक है, तो एक और रूट टू ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और देखिए एन बराबर क्या है, दो है, ये क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। तो दोनों नियम को ही फॉलो कर रहा है, बहुपद के जो दो नियम है वो दोनों नियम को ही अनुपालन कर रहा है, इसलिए क्या है, बहुपद है, ये बहुपद हो जाएगा। अब सवाल नंबर दस देखिए, सवाल है फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सात, ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, चेक करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ए वन ए टू ए थ्री ये सब क्या है, चार माइनस तीन सात, ये सब वास्तविक संख्या है। और एन का मान देखिए, एन का मान यहाँ कितना है, दो है, इसमें कितना है, एक है, तो क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। तो बहुपद के दोनों नियम को ये बीजीय व्यंजक फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। तो दस नंबर क्या है, बहुपद है। तो इसमें बहुपद देखिए, ई बहुपद मिला, उसके बाद एक ये बहुपद मिला, और एक ई बहुपद मिला, एक ई मिला, देखिए एक ई भी बहुपद मिला है। पांच को इसमें बहुपद है और पांच को बहुपद नहीं है। सवाल नंबर दो देखिए, निम्नलिखित कथनों में जो नीचे ये सब कथन लिखा हुआ है, इसमें सत्य कथन को स से, यानी जो सत्य होगा उसको स लिखना है, और असत्य कथन को अ से, और जो इसमें असत्य कथन है उसको अ से व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पहला जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल को देखिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ए में कहता है कि नौ एक्स क्यू माइनस रूट पाँच एक्स माइनस रूट सात वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। यहाँ देखिए नौ एक्स क्यू माइनस रूट पाँच एक्स माइनस रूट सात, पहले तो हम चेक करते हैं कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ देखिए नौ रूट पाँच रूट सात, नौ रूट पाँच माइनस रूट पाँच है और माइनस रूट सात, ये क्या है, तो वास्तविक संख्या है। और देखिए एन, एन यहाँ चेक करिए, चार का पावर देखिए कितना है, तीन है, इसमें कितना है, एक है। तो हम देख रहे हैं कि ए वन ए टू ए थ्री सब क्या है, वास्तविक संख्या है, और पावर जो है चर का वो क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या है, बहुपद है। तो किस पर बहुपद है, तो वास्तविक संख्याओं पर, ठीक है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये क्या है, सत्य है, और सत्य है तो हम यहाँ पर सिर्फ स लिखेंगे, ठीक है, स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स, यानी कि सत्य। अब बी में देखिए, ग्यारह एक्स स्क्वायर माइनस सोलह एक्स प्लस पाँच पूर्णांकों पर बहुपद है। बी नंबर सवाल देखिए, ग्यारह एक्स स्क्वायर माइनस सोलह एक्स प्लस पाँच, बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ये बहुपद है कि नहीं से देखिए, ए वन ग्यारह है, ए टू कितना है माइनस सोलह, ए थ्री कितना है पाँच है, यहाँ लिखिए ग्यारह माइनस सोलह पाँच। तो इसको हम देख रहे हैं क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में कौन है ये, तो ये सब पूर्णांक है, देखिए धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है,
तो पूर्णांक इसको हम कहेंगे। अब पूर्णांक भी क्या होता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब देखिए पावर देखिए इसका, तो चर का पावर देख रहे हैं इसमें दो है, इसमें देख रहे हैं एक है, तो एन का मान हम देख रहे हैं क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी बहुपद के दोनों नियम को ही पालन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद है, और किस पर बहुपद है, तो पूर्णांकों पर बहुपद है। ये सब देखिए सब क्या है, पूर्णांक है, यानी पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये जो लिखा हुआ है ये सत्य है, ठीक है। और जब सत्य है तो हम यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे स लिखेंगे, स आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सी नंबर सवाल देखिए, एक बटा दो एक्स का पावर चार माइनस तीन बटा सात इंटू एक्स प्लस तीन, कह रहा है ये जो है पूर्णांकों पर बहुपद है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक बटा दो ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। माइनस तीन बटा सात ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। ये कह रहा है कि पूर्णांकों पर बहुपद है, इसका मतलब है कि क्या है, गलत कथन है। तो असत्य है, तो असत्य है, तो सिर्फ हम यहाँ आ लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, एक बटा दो क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। एक बटा दो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि पूर्णांकों पर बहुपद है, तो गलत है ये कथन, तो असत्य है, तो हम यहाँ लिख दिए अ। सवाल नंबर डी देखिए, इसमें कहता है रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट पाँच एक्स प्लस सात परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो रूट तीन क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं अपरिमेय संख्या है। माइनस रूट पाँच भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ लिखा है परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। ये जो कथन लिखा हुआ है ये असत्य है, तो यहाँ हम लिखेंगे अ। चलिए अब इसको देखिए, देखिए यहाँ पे नहीं होगा, डी नंबर हम सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे होगा अ, यानी कि असत्य कथन है। अब ई नंबर सवाल देखिए, एक्स क्यू बटा तीन माइनस पाँच ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू बटा तीन माइनस पाँच है, ठीक है। देखिए एक बटा तीन है ये, यहाँ हम देख रहे हैं कि ए वन जो है एक बटा तीन है, ए टू देख रहे हैं कि माइनस पाँच है, तो ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और एक्स का पावर एन देखिए तीन है, जो क्या है, ये अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी बहुपद के दोनों नियम को ही पालन कर रहा है बीजीय व्यंजक। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब कौन सा बहुपद है, देखिए एक बटा तीन ये क्या है, परिमेय संख्या है। पाँच क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्याओं पर ही बहुपद है। तो ई में कह रहा है ये कि परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, यानी ये सत्य कथन है, तो सत्य है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स लिख देंगे। अब एफ नंबर सवाल देखिए, रूट सात एक्स प्लस पाँच पूर्णांकों पर बहुपद है। यहाँ देखिए रूट सात पूर्णांक होता है, नहीं होता है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है पूर्णांकों पर बहुपद है, तो क्या है, गलत कथन है, यानी असत्य है, तो यहाँ पर लिख देंगे अ, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर तीन को देखिए, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ठीक है। इसमें टोटल पाँच प्रश्न दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें बताना है। यहाँ देखिए सवाल को हम लिख लिए हैं, पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है टू प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है से बताइए। तो देखिए इसमें कितना से गुना किया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है गुना में, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक, यानी इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है। सवाल नंबर दो देखिए, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस पाँच, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, इसमें ध्यान से देखिए कहीं भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें तो जीरो हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर तीन देखिए, ये है पाई बटा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको लिखना है। तो देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना किया हुआ है, पाई बटा दो है, यानी कि आंसर हो जाएगा पाई बटा दो, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है पाई बटा दो। सवाल नंबर चार, चार माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो देखिए तो इसमें कितना से गुना किया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी एक है, एक से गुना किया हुआ है, एक छिपा हुआ रहता है,
तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है, ठीक है। पाँच नंबर सवाल देखिए, छः दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है से लिखना है, तो इसमें कहीं एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा तो छः प्लस जीरो में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो छः में जीरो जोड़ेगा तो छः, तो देखिए इसमें इसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, जीरो है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं जीरो, ठीक है।